आपने डल, ड्राई और बहुत ज्यादा रफ स्किन से बहुत ज्यादा परेशान है तो ये वाली होम रेमेडी ट्राई करें। लेकिन हाँ, होम रेमेडी ट्राई करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो सबसे पहले ये होम रेमेडी बनाने के लिए हमें ले लेना है थोड़ा सा दूध, यानी कि कच्चा रॉ मिल्क। उसमें हमें ऐड कर देना है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है और अच्छे से मिक्सअप कर देना है। उसके बाद आप कोई भी कॉटन ले सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है, उसे पूरा इस इंग्रेडिएंट में यानी कि मिल्क और टर्मरिक पाउडर के मिक्सचर में अच्छे से डिप कर दिया और डिप करने के बाद इसे पूरा अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर लिया है। तो जो एक्सेस इंग्रेडिएंट है ना, उसे नीचे ऐसे निचोड़ कर यानी कि स्क्वीज करके गिरा देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हमें अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। रॉ मिल्क हमारे फेस को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से क्लीन करता है, क्योंकि रॉ मिल्क में यानी कि कच्चे दूध में क्लिंजिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारा स्किन ईजिली और नेचुरली पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो हमें ऐसे ही 2 मिनट तक मसाज करते रहना है इस टिश्यू पेपर या फिर किसी कॉटन की हेल्प से। और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, हमारे फेस पर जो भी ज्यादा डर्ट जमा होता है धूल मिट्टी की वजह से वो सारा रिमूव हो जाता है मिल्क के जरिए। तो मिल्क हमारे फेस को क्लीन करता है और टर्मरिक पाउडर हमारे फेस में ग्लो लाता है। फिर इसे ऐसे ही ना 2 मिनट तक हमें अपने हाथों से मसाज करना है फिंगर्स की हेल्प से, एकदम हल्का हल्का सा मसाज, जिससे हमारे डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे, लिप्स की पिगमेंटेशन कम हो जाएगी और स्किन में थोड़ा सा ज्यादा ग्लो आ जाएगा और हमारा जो स्किन है वो भी एक शेड थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। फिर 2 मिनट के मसाज के बाद हमें नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और आफ्टर वॉशिंग जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, आप भी बोलेंगे वाव, कितना ज्यादा फेस हमारा क्लीन हुआ है, कितना ज्यादा ग्लो आया है चेहरे पर, सारे धूल धूप मिट्टी जो है चेहरे से एकदम गायब सी हो जाएगी। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।